सब्सक्राइब करें मिकेश सिन्हा रीजनिंग गुरु चैनल को और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल बटन दबाएं। प्रिय छात्रों, मैं मिकेश सर आज आपके लिए लेकर आया हूँ सिटिंग अरेंजमेंट चैप्टर को। तो आइए हम लोग मिकेश सिन्हा रीजनिंग गुरु चैनल में के क्लास में आज के क्लास में सिटिंग अरेंजमेंट को देखते हैं। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि सिटिंग अरेंजमेंट के आज के परीक्षाओं में क्या महत्व है। तो हम आपको ये बता दें कि सिटिंग अरेंजमेंट आज के बैंक के एग्जामिनेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है, जहाँ पर बैंक में इससे चाहे क्लर्क हो या पीओ, पीटी हो या मेंस, लगभग 10 से 15 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। सीटिंग अरेंजमेंट को स्टार्ट करने से पहले हम लोग को कुछ चीज़ों को ध्यान में रखा होगा। देखो, सीटिंग अरेंजमेंट में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो 5 तरह के होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर अरेंजमेंट, दूसरा जो टाइप होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर टेबल, तीसरा जो अरेंजमेंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, चौथा जो अरेंजमेंट होता है उसे हम लोग बोलते हैं पैरेलल लाइन, और जो पांचवा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल लाइन। आज जो हम लोग शुरू करेंगे, आज सबसे पहले हम लोग सर्कुलर टेबल को देखेंगे, जिसमें जो प्रश्न होता है उसमें कुछ व्यक्ति एक सर्कुलर टेबल के चारों ओर बैठे होते हैं। तो सर्कुलर टेबल बनाने के दौरान हमें किन चीज़ों को ध्यान में रखना होता है जिससे कि वो क्वेश्चन हम आसानी से बना सके, उसके लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे आज सर्कुलर टेबल को। प्रिय छात्रों, यदि आपको मेरा आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं आपको लगातार वीडियो जो है वो इन सारे टॉपिक्स पे प्रोवाइड करता रहूँगा, और आप उससे क्या होगा देख के सीखते रहोगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और जो मैं बता रहा हूँ उन चीज़ों को सीखो। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं सर्कुलर अरेंजमेंट को, हम लोग किन किन बातों को ध्यान रखना है वो देखेंगे। तो सर्कुलर अरेंजमेंट में हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि जो प्रश्न पूछा जाता है वो कितने तरह का होता है। तो आपको उसका दो टाइप है, दो या हम इसको तीन टाइप ही बना सकते हैं। सबसे पहले जैसे हमने यहाँ पर देखा, तो एक क्वेश्चन जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपल क्वेश्चन, ये क्या होता है इसको भी मैं डील करूँगा। दूसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, और तीसरा जो होता है वो आपको आज के डेट पर क्या कहो मिक्स्ड क्वेश्चन होगा, जिसमें हम लोग क्या हो सकता है वो भी हम लोग देखेंगे। सिंपली सिंपल क्वेश्चन और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में क्या अंतर है ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे सिंपल क्वेश्चन में क्या होगा कि कुछ लोग जो है एक सर्कुलर टेबल के चारों ओर बैठे होंगे, इस प्रकार से बैठे हो सकते हैं कि उन सभी का चेहरा जो है वो फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर होता है। जबकि आज के डेट पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो आपको कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछ रहा है, और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में जो प्रश्न पूछा जाता है वो ऐसा भी हो सकता है कि जो है जो लोग टेबल के चारों ओर बैठे हुए उन सभी का चेहरा केंद्र के बाहर की ओर हो, और साथ साथ ये भी हो सकता है कि उन सभी का चेहरा केंद्र कुछ का चेहरा केंद्र के बाहर हो और कुछ का चेहरा केंद्र के अंदर की ओर हो। तो ये जो आपका आएगा ये कॉम्प्लेक्स होगा। साथ ही साथ सिंपल वाले क्वेश्चन में एक ये हो सकता है कि जो आपको क्वेश्चन दिया हो वो आपको वन वेरिएबल क्वेश्चन हो। वन वेरिएबल कहने का मतलब कि केवल एक पैरामीटर हो, ठीक है, क्या कह सकते हैं हम लोग इसको, हम हिंदी में लिख देते हैं केवल एक पैरामीटर हो। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हम लोग ये भी दे सकते हैं कि देखो ये क्या है, हो सकता है कि ये वन वेरिएबल के जगह पर ये टू वेरिएबल हो, ठीक है, कैसा, तो टू वेरिएबल भी आता है। साथ साथ यहाँ पर आपको अब कुछ क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जो थ्री वेरिएबल भी होता है, और सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स ये तब होता है चाहे वो वन वेरिएबल हो, चाहे वो टू वेरिएबल हो, चाहे वो थ्री वेरिएबल हो, इनके साथ अगर हम क्वेश्चन में मर्ज कर दे किसको, तो जो है वो है ब्लड रिलेशन को।
अगर क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट का, वो भी सर्कुलर टेबल में, अगर वन वेरिएबल या टू वेरिएबल या थ्री वेरिएबल के साथ ब्लड रिलेशन का अगर क्वेश्चन आ जाता है, तो यह क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो जाता है, और इसकी गिनती हम लोग सीधे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, या फिर इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि एक मिक्स क्वेश्चन है, जहां पर आपको हर कुछ मिक्स किया हुआ है और वो दिया हुआ है। तो इस तरह के प्रश्न को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे आने वाले वीडियोस में, मैं आपको धीरे धीरे समझाता रहूंगा, इसीलिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहे, और आप इसे सब्सक्राइब करने के लिए जो सोर्स है वहां पर आपको जो लिंक दिया हुआ है वहां से आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ अब मैं आपको ये बताऊंगा कि सर्कुलर बनाने के दौरान हम लोग किन किन और चीजों को ध्यान में रखते हैं। तो हम लोग आइए देखते हैं वो कौन कौन सा पॉइंट है जिसको हमको ध्यान में रखना होगा कि हम सर्कुलर अरेंजमेंट अच्छा से आराम से बना सकें। आइए अभी हम लोग देखते हैं, जैसे पहले सर्किल को, सर्किल में मैंने आपको जो बताया वो मैंने यहाँ पर बताया प्रश्न के टाइप्स, क्या था टाइप्स, तो टाइप्स में मैंने आपको लिखा कि एक जो क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, सिंपल होगा। दूसरा मैंने आपको क्या कहा कि आपको कॉम्प्लेक्स प्रश्न पूछेगा, सिंपल कैसे कॉम्प्लेक्स कैसे ये मैंने आपको डील कर दिया। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो सर्कुलर अरेंजमेंट बनाने के दौरान जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है वो होता है डायरेक्शन, जहाँ पर स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो डायरेक्शन देखो, जो प्रश्न पूछेगा वो दो तरह का होता है, या अब के डेट पर हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि वो भी तीन तरह का हो सकता है। पहला ये कि आपको दिया होगा सारा फेसिंग टुवर्ड सेंटर, यानी हम लोग लिख देते हैं ऐसे, देखो फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर, यानी केंद्र की ओर मुख करके, ठीक है। दूसरा होता है आउटवर्ड, आउटवर्ड का मतलब केंद्र की बाहर की ओर, यानी बैठे तो होंगे लेकिन सभी का चेहरा केंद्र की ओर ना होके बाहर की ओर होता है। और जो तीसरा प्रश्न आता है वो क्या होता है, इन दोनों का मिक्सचर होता है, जैसे आपका क्या होगा फेसिंग सेंटर अब प्लस आउटवर्ड, यानी दोनों अंदर की ओर भी और बाहर की ओर भी। तो इसकी जो गिनती होगी वो किस तरह की हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में इसकी गिनती हो जाएगी। आइए हम लोग अब डायरेक्शंस को पहले देखते हैं कि हम लोगों को डायरेक्शन किन किन चीजों को ध्यान देना होगा, तब जब हमारा चेहरा केंद्र की ओर हो और या जब हमारा चेहरा केंद्र से बाहर की ओर हो। तो जैसे हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, आपको एक सर्किल बनाते हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर एक सर्किल लिया, एक और सर्किल ले लेते हैं, दो सर्किल हो गया, दो सर्किल लेने के बाद हम लोग यहां पर कुछ चीजों को ध्यान में रखेंगे। जैसे मान लो ये पहला है और ये दूसरा है, पहले को हम लोग रखते हैं फेसिंग टुवर्ड सेंटर, जैसे मान लो आदमी जो दिया होगा वो इस तरह से होगा, वो फेसिंग टुवर्ड सेंटर होगा। दूसरा ये हो सकता है कि फेसिंग आउटवर्ड हो, केंद्र के या टेबल के चारों ओर बैठा होगा लेकिन वो केंद्रमुख ना होकर केंद्र से उनके जो मुंह होगा वो बाहर की होगा, तो इसे बोलते हैं हम लोग फेसिंग टूवर्ड सेंटर और इसको बोलते हैं हम लोग फेसिंग आउटवर्ड। अब देखो जो हम लोगों को ध्यान रखना होता है या हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से करें वो मैं बताता हूँ। देखो अगर ये क्वेश्चन मुझसे पूछता है, जैसे मान लो चार आदमी है क्वेश्चन में, पांच आदमी है, छह आदमी है, सात आदमी है, या आठ आदमी है, या नौ आदमी है, या 10 आदमी है, तो जितने भी बंदे होते हैं, पहले अगर मैं यहाँ जान लूँ बेसिक्स, जो राइट और लेफ्ट का कंसेप्ट है, दायां और बायां, उनको सीख लेते हैं, क्योंकि वही आपको क्या करता है क्वेश्चन बनाने के दौरान कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जिसमें हम लोग फंस जाते हैं, ज्यादातर स्टूडेंट फंसते हैं। तो जो चीजों मैं बताने जा रहा हूँ उसको आपको वो ध्यान में रखना है कि हमको किन चीजों को ध्यान में रखना होगा। तो जैसे देखो अगर फेसिंग टुवर्ड सेंटर है, तो फेसिंग टुवर्ड सेंटर के केस में हम अगर क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे, तो मैं जो आपको बता रहा हूँ हम लोग इस पॉइंट से शुरू करेंगे, क्योंकि देखो अगर हम डायरेक्शन चार्ट के अनुसार चले
डायरेक्शन चार्ट ये होता है, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट और ये होता है वेस्ट। तो डायरेक्शन चार्ट के अनुसार अगर हम चलते हैं तो देखो सबसे आसान जो डायरेक्शन होता है वो नॉर्थ का होता है, जहां पर राइट और लेफ्ट का जो कंसेप्ट होता है वो बिल्कुल क्लियर होता है। अगर हम यहां पर देखें तो यह देखो अगर ऐसा ये प्रतीत होता है कि यह जो है ये डायग्राम आपको नॉर्थ की ओर दिख रहा है, तो उसके अनुसार ये क्या होता है, ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट, यानी इधर क्या हो गया आपको दाएं हुआ और इधर क्या हुआ बाएं हुआ। जब इसके लिए इधर दाएं है तो इस बंदे के लिए भी दाया इधर ही होगा, इस बंदे के लिए भी दाया इधर ही होगा और इस बंदे के लिए भी दाया इधर ही होगा। तो हम लोग एक चीज यहाँ पर सीखते हैं कि यह जो है डायरेक्शन ये किस तरह का है, तो ये घड़ी की सुई की विपरीत दिशा है, ठीक है, यानी इसको हम लोग इंग्लिश में क्या होते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में क्या हो गया, तो एंटी क्लॉकवाइज में आपका राइट हो गया, इसको हम लोग बोले दाया। और अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे इसको तो क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज में क्या हो, जब एंटी क्लॉक में राइट है तो क्लॉकवाइज में क्या हो जाएगा आपको बायां हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर डायरेक्शन को ध्यान में रखते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पर कहा कि आप ये वाले पॉइंट को लेके चलो, देखो ये सर्किल है, आप जहां से भी लेके चलोगे ये बन जाएगा, बट जो प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि हम लोग अगर नॉर्थ की ओर इसको छोड़ दे, जो बोले कि देखो चेहरा साउथ की ओर है, तो ज्यादातर स्टूडेंट्स इसी में गलती होते हैं कि अगर साउथ की ओर चेहरा होता है तो लेफ्ट कौन सा है या राइट कौन सा है ये हम भूल जाते हैं। तो इसको ध्यान में रखना होगा, नहीं तो हम ऐसी जगह से शुरुआत करें जहां पर हमारा जो लेफ्ट और राइट का कंसेप्ट है वो क्या होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। देन एंड देयर आगे जब हम बढ़ते हैं तो जरा सा इसको हम देखते हैं, जब चेहरा बाहर की ओर हो, देखो जब बाहर की ओर होता है तो मैं इस पॉइंट से प्रेफर करता हूँ, क्योंकि तो देखो यहाँ पर राइट और लेफ्ट सोचना पड़ेगा आपको, यहाँ पर राइट और लेफ्ट सोचना होगा, यहाँ पर भी लेफ्ट और राइट सोचना होगा। बस इस पॉइंट पर अगर हम सोचे कि ये हम खुद है तो ये राइट हुआ और ये क्या हो गया लेफ्ट हो गया, यानी यहाँ पर जो कंसेप्ट है वो चेंज हो रहा है क्या, तो यहाँ पर क्लॉकवाइज में क्या हो रहा है आपका, तो क्लॉकवाइज में आपको दाएं आ रहा है, तो जब क्लॉकवाइज में दाएं होगा तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा बायां हो जाएगा। इस तरह से हम लोग यहाँ पर डायरेक्शन के जो कंसेप्ट है उस डायरेक्शन के कंसेप्ट को समझ लेते हैं। जब आपको यह समझ में आ जाएगा तो जब हम क्वेश्चन की ओर चलेंगे तो वहां पर भी हम लोग इसको आराम से जो है बना सकते हैं। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन के थोड़ा द्वारा यह बताऊंगा कि इसके क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। वो क्वेश्चन जो होगा वो सिंपल और कॉम्प्लेक्स का एक मिश्रण हो सकता है या जो भी होता है। हम लोग आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन पे फिर हम लोग सीखेंगे कि हम लोग इसको कैसे बैठाएंगे। प्रश्न पढ़ते हैं, देखिए आपको कहता है कि आठ व्यक्ति या आठ लोग ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक वृत्ताकार मेज के गिर्द बैठे, ए और बी का मुंह केंद्र की ओर है। तो आठ व्यक्ति है, तो अब मैं आपको ये सिखाता हूँ कि जब हमें वृत्त मिलेगा या स्क्वायर टेबल तो मैं जो डायग्राम बनाऊंगा वो इस तरह से बनाऊंगा। देखो एक गिनो, दो तीन चार पाँच छ सात और आठ, ये मेरा बन गया। तथा ए और बी का मुंह केंद्र की ओर है जबकि अन्य छह व्यक्तियों का मुंह केंद्र के से विपरीत दिशा में, यानी यह जो क्वेश्चन है ये एक मिक्स्ड क्वेश्चन है जहां पर आपका सेंटर और आउटवर्ड दोनों आपको दिया हुआ है, यानी केंद्र की ओर भी है और केंद्र से विपरीत भी है। कहता है कि एच के दाएं दूसरे स्थान पर ए है। आप एक चीज देख लो, यहाँ पर आपको इसने कहा कि ए और बी का मुंह केंद्र की ओर है, तो इसका मतलब जो बाकी जो 6 पर्सन होंगे उनका चेहरा तो बाहर की ओर होगा। एच के दाएं दूसरे स्थान पर ए बैठा है, तो मैंने आपको अभी बताया था कि जब बाहर वाले का इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो मैं इस जगह को प्रेफर करूंगा, मैं एच को यहाँ बैठाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। अब आपको कहता है कि ए के बाएं तीसरे स्थान पर बी बैठा है, तो ए का चेहरा तो केंद्र की ओर है, हम जानते हैं कि जब केंद्र की ओर होगा तो यह घड़ी की सुई की दिशा में क्या होगा आपका बायां होगा, तो पहला नहीं दूसरा नहीं तीसरा ये क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, और बी का भी चेहरा क्या है केंद्र की ओर है। फिर कहता है जी के दाएं दूसरे स्थान पर डी बैठा है, और जी ना तो बी और न ए का पड़ोसी है। देखो यह जो निगेटिव इन्फॉर्मेशन होता है इसका रफ हम लोग जरूर बनाते हैं। देखिए अब मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ, देखो जी यहाँ नहीं आएगा, जी यहाँ नहीं होगा, जी यहाँ नहीं होगा और जी
यहाँ नहीं होगा। तो जी के लिए जो जगह बचेगा वो ये बचेगा, और इस जी का भी चेहरा क्या होगा, केंद्र के बाहर की ओर होगा। जब जी यहाँ पर आएगा तो जी के दाएं दूसरे स्थान पर डी बैठा है, तो ये डी हो जाएगा, इसका भी चेहरा बाहर होगा, इसका भी चेहरा बाहर होगा, इसका भी चेहरा बाहर होगा, और इसका भी चेहरा बाहर होगा। अब कहता है ई और एफ एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी है तथा दोनों का मुंह केंद्र से विपरीत दिशा में है। तो जब दोनों निकटतम पड़ोसी है तो निकटतम पड़ोसी के लिए तो यही दो जगह जहां पर ये दोनों लगातार आ सकते हैं, तो ये जगह सी का हो जाएगा और ये जगह ई का हो जाएगा, और ये जगह एफ का हो जाएगा, या ये ई का हो जाएगा या ये एफ का हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों में कौन सा स्थान किसका है यह प्रश्न में मेंशन नहीं किया है, तो इसलिए ये दोनों हमेशा आइदर में रहेंगे। आपको यह भी ध्यान में रखना है, बहुत सारे छात्र ऐसे भी होते हैं वो जब आइदर में आता है तो वो थोड़ा चिंतित हो जाते हैं कि इस तरह के प्रश्न को हम सही समझे या नहीं, क्या मेरा सॉल्यूशन सही है या नहीं। तो आप निश्चिंत रहिए, जो आज के डेट पर प्रश्न पूछा जा रहा है वहां पर आइदर का भी सिचुएशन बनता है, आइदर में भी आंसर आते हैं, तो आपको इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। तो जिस तरह से मैं आप इसको समझाया, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे जरूर से लाइक करना और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और आगे वीडियोस को देखते रहने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आने वाले वीडियो में जो मेरा अगला वीडियो होगा कल के डेट पर, उसे मैं आपके लिए जो है सो डबल वेरिएबल, आपको ये सिंगल वेरिएबल था, टू वेरिएबल का यानी दो डाटा का क्वेश्चन लेके आऊंगा और बताऊंगा कि इसमें कितनी आसानी से जो हमारा समय है उस समय के दौरान बना सकते हैं। तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को देखिए, और फिर मिलते हैं अगले क्लास में, और फिर मैं आपको मुकेश सर आपके लिए नए वीडियो को ले